नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत अलावत और मीत हुड्डा एक दूसरे के करीब आने जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि इस समय मीत अलावत को याददाश्त की बात की जाए तो उसे कुछ भी याद नहीं है कि आखिरकार हो क्या रहा है या फिर कल क्या रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि मीत हुड्डा हमेशा से ही पॉजिटिव रही हैं और उनका मानना भी ये है कि अगर मीत अलावत कुछ याददाश्त भूले हुए हैं तो मैं उनको पूरी याददाश्त दिलाकर ही रहने वाली हूँ, क्योंकि अब मीत हुड्डा को पूरा यकीन हो गया है कि आखिरकार मीत अलावत ही है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी एक्टिविटी हैं अब धीरे धीरे मीत अलावत की सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। इधर गाँव का जो सरपंच है, सरकार उसके खिलाफ नई जंग स्टार्ट करने जा रहे हैं मीत अलावत भी, क्योंकि अभी तक मीत हुड्डा टकरा रही थी लेकिन अब मीत हुड्डा का जो सपोर्ट मिलेगा वो मीत अलावत को मिलेगा। मीत हुड्डा और मीत अलावत मिलकर गांव के सरपंच के खिलाफ लड़ाई भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि दोस्तों फैक्ट्री बनाने का काम स्टार्ट हो चुका है और फैक्ट्री बनाने की अगर बात की जाए तो इस काम को जो पूर्ण करने जा रहे हैं वो आप लोग जानते ही हैं कि मीत अलावत और मीत हुड्डा दोनों पूरी तरीका से इसमें महिलाओं को एक नया अवसर, नया रोजगार देने की तैयारी कर रही है ताकि महिला आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन इसी चीज़ के खिलाफ है इस समय गांव का सरपंच का मानना यह है कि महिलाएं खाली रोटी बनाना और बच्चा पैदा करने के लिए ही होती हैं, ना कि वो किसी भी तरीका से किसी भी जॉब के लिए होती हैं। साथ ही दोस्तों मीत हुड्डा खुद उन महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि मीत हुड्डा का मानना यह है कि मैं हार नहीं मानने वाली किसी रूप से भी, और वाकई में दोस्तों वो हार मानेगी भी नहीं। साथ ही दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइज कैसी लग रही है मेरी वीडियो वाइज।